वनी प्रधान है और मैं सिलवासा से हूँ और मैं यूक्रेन मेरी MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी और जहाँ जब वॉर सिचुएशन था तब हम बहुत पैनिक हो गए थे, बट इंडियन गवर्नमेंट की वजह से जो स्पीड लेवल था इवैक्यूएशन का उसके वजह से हम बहुत जल्दी और स्मूथली और सेफली आ गए, तो उसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अच्छा, प्रफुल सर ने क्या बात किया आपसे, क्या पूछा? प्रफुल सर ने हमारे करियर रिलेटेड बात किया, जो उनको हमारे करियर की बहुत टेंशन थी, आगे हमें कैसे सब करना है वो सब हमें समझाया। एंड मेरा नाम ललिता चौधरी है और मैं सिलवासा से हूँ। मैं यूक्रेन में फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और अभी जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है उसके तहत काफ़ी बच्चे भारत सरकार की मदद से इंडिया पहुंच पाए हैं सही सलामत, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूं। और बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन गंगा चल रहा है आगे भी चलता जाए और हमारे सभी फंसे हुए भारतीय सही सलामत घर वापस लौट जाए। थैंक यू। नमस्ते, मैं मानसी शर्मा, मैं इधर दमन में रहती हूँ और जिस दिन अटैक से मैं यूक्रेन में ही थी, मैं बहुत जल्दी इवैक्यूएट हो गई एंड ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो इट्स माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू एवरीवन एंड स्पेशली टू नरेंद्र मोदी सर एंड आर एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल सर, जिनके कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की वजह से हम बहुत जल्दी इवैक्यूएट हो गए। एंड मुझे पूरा बिलीव है हमारी गवर्नमेंट में कि वो सभी बच्चों को जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर लेगी। और दूसरी बात, आज हमारी एक मीटिंग थी प्रफुल सर के साथ जो इस बेसिस पे थी कि आगे हमारे करियर का क्या होगा, लाइक करियर ओरिएंटेड मीटिंग थी ये, क्योंकि हम वहाँ MBBS के स्टूडेंट्स हैं, हमने वहाँ 4 साल स्पेंड किए हैं, अभी 2 साल बाकी हैं। तो एक उन्हें हमसे ये जानना था कि वो क्या कर सकते हैं और हमें पूरा होप है कि अगर हम उनका सपोर्ट रहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये पूरी मीटिंग जो थी वो करियर ओरिएंटेड थी, उन्हें हमारे एजुकेशन को लेकर काफ़ी टेंशन है, जिसके लिए मैं उन्हें फिर से थैंक करना चाहती हूँ, उन्होंने अपना इतना टाइम दिया और हमारे करियर के बारे में इतना सोचा। तो थैंक यू। आपका नाम? खुशी भंडारी। खुशी, कई रीते आज प्रशासक के अपना परिवार साथ मुलाकात करी, शू बातचीत थी, कई रीते आभार मानसो? एमने अमने बहुज हेल्प करी छे, અમે આવી સ્થિતિમાં પણ 2 દિવસમાં ઇવેક્યુએટ થઈને ઇન્ડિયા આવી ગયા, અમારા ફેમિલીને અમે મળી ગયા, અમે યુક્રેનમાં હતા ત્યારે પણ પ્રફુલ પટેલ સર અમારા ફેમિલીથી મળ્યા હતા, એમને સ્ટ્રેન્થ આપી હતી ને એમને વિશ્વાસ આપ્યો હતો કે તમારી છોકરીઓ જલ્દી ઇન્ડિયા આવી જશે, ને એમણે આ એમ જે વચન આપ્યો હતો એ પૂરો કર્યો। અમે મોદીજીને બહુ જ બહુ જ આભાર છે, આવી સ્થિતિમાં પણ આટલા જલ્દી બધું કરવું એ બહુ જ સારું છે। એમના રિલેશન્સ આ બીજી બધી કન્ટ્રીઓ સાથે આટલા સારા છે, એના જ લીધે અમે આટલા જલ્દી ઇવેક્યુએટ થઈને આવી ગયા અહીંયા ઇન્ડિયા।